जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन दो राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई और शादी के योग जो है वो नवरात्रि में बन रहे हैं। ऐसा मैं शुक्र राशि परिवर्तन और गुरु राशि परिवर्तन के आधार पर बताने जा रहा हूं। दो राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी 100% हो ही जाएगी नवरात्रि में। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 26 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के दिन सगाई की तिथि है, तो इन दिनों में शादी के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो उन दो राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किन नामों से उनके शादी के योग बन रहे, किस दिशा में शादी हो सकती है, कैसा उसका जीवन साथी मिलेगा, कैसा उसका रंग रूप होगा, वह अमीर घर से होगा, गरीब घर से होगा, साथ ही वह मन मुताबिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यह सभी तरह की जो तमाम जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शादी में कब बाधा आती है। हम में से कई ऐसे जातक हैं जो अविवाहित हैं और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और उनकी आयु 30 वर्ष के अधिक हो गई है या 25 वर्ष से अधिक हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है? सभी जातकों के मन में इस प्रकार के प्रश्न रहते कि आखिर क्या कारण है। धन संपन्न से सबल रहने के पश्चात भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सवालों से जो है पर्दा उठाने के लिए आप केपी की वाणी पर संपर्क कर सकते हैं और हम लोग पूर्ण जानकारी देते हैं किस तरह की बाधाएं क्यों आती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप उचित शुल्क पर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही और उसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के निवारण क्या है। अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण अनिवार्य है। अगर दोष नहीं लगा है तो क्यों शादी में देर हो रही है? कई ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते है जो है विवाह में देर होती है। वहीं अगर ऐसे जातक जिनकी कुंडली बनी हुई नहीं है और उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई है और उनकी शादी नहीं हुई है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या उन जातकों के साथ ऐसा हो रहा है जो काफी दिनों से उनके माता पिता परेशान है विवाह हेतु, यानी कि अपने बेटे अथवा बेटी के शादी हेतु परेशान है, तो आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विस्तार पूर्वक शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। केपी की वाणी के चैनल पर अब तक सैकड़ों जातकों को जानकारी दी गई और सटीक जानकारी दी गई है। कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो गई थी किंतु उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने लाख प्रयत्न कर लिए, तमाम तरह की कोशिशें कर ली, निवारण करा लिए, अंत में उन्होंने केपी की वाणी से संपर्क किया और उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि उनकी कुंडली में विवाह में देर के योग हैं या उनकी कुंडली में शादी के योग नहीं है, अन्यथा कुंडली में किसी प्रकार का कोई विशेष दोष लग रहा है जिसके चलते उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवाकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए विदेश के योग बन रहे हैं कि नहीं, आजीविका का जो योग है वो विदेश में बन रहा है कि नहीं, संतान योग, राज योग, भाग्य योग, स्वास्थ्य योग, सभी तरह की जानकारी अब आपको केपी की वाणी से कुंडली बनाने पर प्राप्त हो जाती है। तो आप मामूली शुल्क पर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8521835670। इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर अभी आपको जरूरत नहीं है तो आप नंबर सेव करके रखें, भविष्य में जब कभी जरूरत हो आपके आपके जानने वाले, आपके पहचान वाले के
किसी को भी अगर इस प्रकार की जरूरत हो तो आप उन्हें नंबर अवश्य दे। और यहाँ उचित जानकारी दी जाती है और उचित शुल्क पर उचित जानकारी दी जाती है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी के पश्चात जो है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है और उनके बीच हमेशा अनबन बनी रहती है, आर्थिक समस्या आती है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या आती है अथवा सेहत को लेकर उसके अलावा जो है अर्थ और मानसिक रूप से जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको बता दूं कि नारी दोष, भकुर दोष दो तरह के दोष हैं और इन दोनों के तीन तीन प्रकार होते हैं, तो इनमें अगर कोई भी दोष लगता है तो आपको इन परिस्थितियों से गुजरना अवश्य पड़ेगा। वैसे दंपत्ति जिनके विवाह पश्चात जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है वो भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली मिलान कर या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में क्यों परेशानी आ रही है। इसके लिए मामले शुल्क ली जाती है तथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित वा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि केपी की वाणी से संपर्क करेंगे तो आपको लिखित में हिंदी में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको मौखिक फोन पर भी समझाया जाएगा कि क्यों देर हो रही है और क्या परेशानी है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं यानी बच्चे का नाम रखना चाहते हैं तो राशि अनुसार से क्या नाम होगा, कुंडली अनुसार से क्या नाम होगा कि उनका भाग्य चमकेगा, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, किसी प्रकार का कुंडली में कोई दोष है तो उसका निवारण भी हम लोग करते हैं, तो यह तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अमीर घर में कब रिश्ता होता है। तो अगर जीवन साथी के भाव में जो है सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र, बुध आदि की युति हो या वहां पर उपस्थित हो और किसी पापी ग्रह की उपस्थिति ना हो, ना ही वहां पर उसकी दृष्टि हो, ऐसी परिस्थितियों में जो है विवाह अमीर घर में होता है। तो जीवन साथी का जो भाव होता है उसमें मंगल का रहना, सूर्य का रहना, बुध का रहना, शुक्र का रहना, गुरु का रहना यह शुभ माना जाता है और इससे जो है जीवन साथी जो है आपके यानी कि वह वेल सेटल होगा, अमीर घर में आपकी शादी हो सकती है और आपको विवाह उपरांत किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भाग्य भाव को भी देखा जाता है कि भाग्य भाव में किस प्रकार के ग्रह हैं। अगर शुभ ग्रह हैं यानी कि सूर्य है, मंगल है, गुरु है तो फिर आपके लिए शुभ योग बनेगा और इससे आपको अमीर घर में शादी के योग बनेंगे। वहीं अगर पंचम भाव में जो है अगर गुरु उपस्थित है, मंगल उपस्थित है, दृष्टि है तो भी आपके लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि गुरु के मजबूत रहने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और वह सरकारी नौकरी वाला ही होता है। वहीं मंगल के रहने पर भी सरकारी नौकरी के लड़के से योग बनता है, जबकि गुरु के रहने से भी सरकारी नौकरी के योग बनता है, सूर्य के रहने से भी सरकारी नौकरी के योग बनता है। तो यह तो जानकारी मैंने अमीर घर के बारे में बताई है। आइए अब वीडियो में आपको उन दो राशियों के बारे में विस्तार से बताता हूं। तो आपको बता दूं शुक्र जो है राशि परिवर्तन कर रहा है 24 सितंबर को और सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहा है 17 सितंबर को, तो दोनों ही कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र का गोचर जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है। वहीं बात करें कि शुक्र किस राशि में उच्च होते हैं तो शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं, तो इससे जो है मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। और इसके अलावा जो है मीन राशि में जो है गुरु का भी गोचर हो रखा है, गुरु वर्तमान समय में वक्री चाल चल रहे हैं, इसके चलते आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। कई ऐसे जातक है जिनके शादी में देर हो रही है, अन्यथा गुरु के मार्गी होने के पश्चात आपके प्रबल योग बनेंगे। अब बात करें कि शुक्र का जो है राशि परिवर्तन और गुरु का जो है राशि परिवर्तन हो चुका है, शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, नवरात्रि 26 तारीख से आने वाला है और 26 से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य जो है उन दिनों में जो है शादी के प्रबल योग बनेंगे। तो आइए उनके बारे में बताता हूँ, नामों के बारे में बताता हूँ, उन दो राशियों के बारे में बताता हूँ। तो वो दो राशियां हैं कन्या राशि और मीन राशि। कन्या राशि के जातकों की शादी उत्तर दिशा में होती है, अधिकतम दूरी जो है वो 200 किलोमीटर हो सकता है ससुराल का, 0 से लेकर 200 किलोमीटर, क्योंकि यह राशि पर निर्भर करता है कि आपके जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है, उसी के आधार पर यह जानकारी ज्ञात की जाती है कि ससुराल की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। तो कन्या राशि के जातकों की जो शादी है उत्तर दिशा में हो सकती है। कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से शुरू होता है और पी अक्षर के अगर लड़के हैं आप
तो आपकी शादी सुधा, दामिनी, आरुषि, अंशु आदि नाम से हो सकती है, यानी कि ASD नाम के जातक से शादी के परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं, यानी कि इस नवरात्रि में आपकी जो शादी है वो आरुषि, अंशु, सुधा, दामिनी, शिखा, सुरेखा आदि नाम से हो सकती है, यानी कि ASD नाम में से किसी एक नाम के जातक से आपकी शादी हो सकती है। बात करें लड़कियों की, तो लड़कों के जो आरुषि, अंशु, सुधा, दामिनी आदि नाम से हो सकती है, वही लड़कियों के जो है वो प्रतिभा, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया आदि नाम होते हैं पी नाम के जातकों के। वही इनकी शादी जो है अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय आदि नाम से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है और नाम जो है वो डी से शुरू होता है और मीन राशि है। मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं और इनके राज्य देव जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी है। गुरु की कृपा इन पर बरस रही है। वक्री में भी ये धनदान से भरपूर रहेंगे और इनके घर में सुख समृद्धि शांति का आगमन होगा। तो डी नाम के जातकों के जो है SGV नाम के जातक से शादी के योग बनते हैं। ईशान कोण में यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग हैं इस नवरात्रि में। बात करें कि अगर आप डी नाम के लड़के हैं तो वीना, शिखा, गीता, संगीता, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से आपकी शादी हो सकती है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। वहीं अगर आप डी नाम की लड़कियां हैं तो आपकी शादी संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको उन दो राशियों की जानकारी दी है जिनकी नवरात्रि में सूर्य के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से 100% योग बन रहे हैं। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल के प्लेलिस्ट अथवा डैशबोर्ड पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप मेजबान हैं। आप चाहे तो KP की संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सत्य जानकारी ज्ञात कर ले। सत्य जानकारी कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी ग्रह दशा में किस तरह के योग हैं, उससे आपको सत्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी, व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।